लॉकडाउन के दौरान सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महेवा गल्ला मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि महानगर में गल्ला की दो थोक मंडियां हैं, एक महेवा मंडी और दूसरी साहबगंज मंडी है। रविवार को थोक व्यापारियों के साथ बैठक करके और स्टॉक चेक करके गल्ला के दामों को फिक्स कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि पशुओं के चारों को लेकर बहुत शिकायत आ रही थी, इसलिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक करके पशुओं के चारों के दामों को भी निर्धारित कर दिया गया है। ये दाम 14 अप्रैल तक फिक्स रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए जो खाने के लिए राशन होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, हल्दी हो गई, तो उसके रेट समय समय पे लॉकडाउन के बाद निर्धारित किए जा रहे थे, जो कि 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए होते थे। तो वो रेट कल 5 तारीख को समाप्त हो गए थे। तो कल फिर बैठक करके जो महेवा मंडी है और साहबगंज मंडी है, उनके व्यापारियों के साथ बैठक करके और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक करके एक बार फिर से रेट डिसाइड कर दिया, और ये रेट 14 तारीख तक के लिए प्रभावी रहेंगे। सबसे बड़ी बात इस रेट में ये है कि इस रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो रेट पूर्व में चला रहा था उसी रेट को बनाए रखा गया है। तो इसके लिए व्यापारियों से बात भी की गई, उनका स्टॉक देखा गया, चेक किया गया, और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखी गई कि जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो और लॉकडाउन के कारण कोई भी रेट बढ़ने को ना मिले। तो हम लोग उसमें कामयाबी पाए हैं, और वही सेम रेट जो लॉकडाउन के समय था उसको 14 तारीख तक के लिए प्रभावी किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो पशु हैं, वैसे तो पशु आश्रय केंद्र में, निराश्रित गौ आश्रय केंद्र में भी पशु हैं, तो उनके लिए खाने और चारे की व्यवस्था होती ही होती है, पर इसके अलावा भी कुछ पशु हैं जो छूट जा रहे हैं, जो निराश्रित पशु हैं, जो रोड पे घूमते रहते हैं, आवारा पशु हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक मीटिंग की, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी थे, उनके विभाग के लोग थे, एवं बड़े जो पशु जो चारे के डीलर्स होते हैं उनके साथ बैठक की गई। और पूर्व में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि चारे का रेट भी एकाएक बढ़ा दिया गया है, तो उनके साथ बैठक करके चारे का रेट जो है, जो 4-5 एसेंशियल चीज़ें होती हैं चारों में, उनका रेट डिसाइड कर दिया गया है। वो आप लोग के माध्यम से और विभिन्न पेपरों के माध्यम से जनता को सर्कुलेट कर दिया गया है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस रेट से ज़्यादा 14 तारीख तक कोई भी सामान ना मिले, जो प्रशासन ने रेट निर्धारित किया है पशुओं के चारे का उससे ज़्यादा ना मिले। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव यह शुरू किया गया है कि वॉलंटियर्स निकाले गए हैं, जो भी रोड पे पशु घूमते पाए जाते हैं उनको खिलाने के लिए, उनको फीड करने के लिए, तो ऐसे वॉलंटियर सूची बना ली गई है, और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के विभाग के लोग और वॉलंटियर्स मिलके रोड पे जा जा के जो ऐसे पशु मिलते हैं उनको खाना खिलाएंगे, उनको चारा खिलाएंगे। और ऐसे ही जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो भी कुत्ते होते हैं जो रोड पर घूमते रहते हैं, उनके लिए डॉग फीड्स की व्यवस्था की गई है। तो ये भी अभियान शुरू हो गया है, 14 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन से जितना इंसान प्रभावित है उतना ही पशु भी प्रभावित हैं। तो ये हम लोग ने शुरू किया है, और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जनता के साथ साथ पशुओं को भी किसी प्रकार की असावधानी ना हो, और उनको खाने और चारे की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे।